हैरत की बात है, वास्तव में कभी कोई क्लास मिस नहीं की। तुम्हारी तो बात हुई उससे? नहीं, बात तो नहीं हुई मेरी। और कल टेस्ट है, उसकी बुक भी मेरे पास है, उसे कॉल करता हूँ। जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, कभी तो टेस्ट से पहले ना बुक्स की लेन देन ना करना। लास्ट टाइम रह गई इनका कौन कौन सी रह गई? एक मिनट, आली। हाँ मास्टर। तुम आज आए नहीं, खैरियत? यार भाभी की तबीयत सही नहीं थी, रात को उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ा और अभी भी हॉस्पिटल में हूँ। क्या हुआ, एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है यार, परेशानी की बात है। अच्छा वो तुम्हें ये बताना था, कल सर आजम की क्लास में टेस्ट है, तुम्हें याद होना हो तुम्हारी बुक मेरे पास है। यार एक काम कर देगा प्लीज, जो बुक्स है ना मुझे हॉस्पिटल देते जाएगा, मुझे लोकेशन सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो आता हूँ तुम्हारी तरफ, ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अच्छा हाँ, रूम नंबर 206 है, 206। हाँ 206, ओके चल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बस आखिरी रह गई वो मैं बाहर से लेकर आऊँगा। सब होगी, पैसे दे देंगे? पैसे अभी आखिरी बारी के बाद भी हुआ ना भैया। क्या हुआ? यार उसके भाभी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है तो अम्मी के साथ वहीं पे वो, मैं जा रहा हूँ उसके पास उसे बुक देने के लिए। ऐसा करते हैं, मेरी गाड़ी में चलते हैं और इसी बहाने में उसकी अम्मी से मिल भी लूंगी और उसकी फैमिली से भी हेलो हो जाएगी और हम एक और काम करेंगे, रास्ते में ना हम फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी ले लेंगे। ठीक है? ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ उसको कि तुम भी आ रही हो। नहीं नहीं नहीं, उसे उससे कॉल मत करना, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा सरप्राइज खराब करो, वो मेरा सरप्राइज देख के बहुत खुश होगा। सरप्राइज अपनी जगह, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है भाई, हम किसी बीमार की खैर खैरियत पूछने जा रहे हैं। ये भी ठीक है, चलो